हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल दोस्तों आपके सामने जो सीयूईटी की टेस्ट सीरीज है, चाहे फिर आईपीयू की टेस्ट सीरीज है, चाहे स्लाइट की, पीयू लीट की, बिहार लीट की, डीटीयू लीट की, बेटे सारी टेस्ट सीरीज जो है हमने चालू कर दी है। सीयूईटी की 899 और आईपीयू और ऑल ओवर किसी की भी लेनी है तो 999 की है। सीयूईटी की क्या है, 899 की है, ठीक है। तो अगर अब ऑब्वियसली मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज के लिए तो अपडेट करने के लिए आया नहीं हूँ, मैं दरअसल आया हूँ यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैंने ये वीडियो डाली थी, उसमें बच्चे ना बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं कि हमें ना हमें फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। देखो नीचे बच्चों ने लिख रखा है, सर फॉर्म फिलिंग में ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, आप प्लीज एक 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 ऑप्शन बता के बहुत हेल्प हो जाएगी प्लीज सर, है ना। तो हरियाणा लीट के बारे में लिख रहा है, हरियाणा लीट का अपडेट करो। भाई अपडेट करा तो है भाई, कि इस 3-4 महीने रुक जाओ तो अपना जरूर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने ना यूपी लीट, ये देखो बार बार लिख रखा है, यूपी लीट का फॉर्म फिल करने की वीडियो बना दीजिए प्लीज। एक बच्चे लिख रखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में सीयूटी के थ्रू एडमिशन, झारखंड से अगर डिप्लोमा किया है तो कोई भी बच्चा अगर आउट ऑफ स्टेट से डिप्लोमा किया है तो वो एलिजिबल नहीं है भाई, ठीक है। मैंने कई बार बताया ये चीज, ठीक है। अब इसमें मेनली बच्चे बार बार यही बोल रहे हैं कि सीयूटी का सर हमें स्टेप बाय स्टेप बता दो। भाई यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप सुन लो, अब दोबारा नहीं बोलना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सुन लो, तुम बार बार बोल रहे हो तो, ठीक है। उससे पहले मैंने अपना ये टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ, इसमें डेली हम आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करते हैं, लीड कोचिंग इन जीसीसी के नाम से। आप इसमें जुड़ जाओ, आपको इसमें एक भी नुकसान नहीं होगा किसी भी तरीके का, ठीक है। अच्छा फायदा ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतनी अच्छी बात लिख रखी है, खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, है ना। किसी को दिखाने के लिए अपने आप को थोड़ा ना बदलना, हम तो ऐसे ही हैं जैसे हैं, खुद को बदलो सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्या बात है, कितनी गहरी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले वापस से अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। ये 3 स्टेप है, इतना बेसिक सा फॉर्म है। मैंने जिस बच्चे ने पूरा भर लिया है, मैं उसका फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन में आपकी बेसिक सी डिटेल मांगेगा, आपको एक्टिव फोन नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी वहां पे देनी है, ठीक है जी। और आपके जो आपकी 10th की मार्कशीट पे नाम ना फादर नेम वो है, वो सब लिखना है आपने, वही रोल नंबर लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन हो गया जी, ठीक है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे इस बच्चे ने क्या कर रखा है, ये बच्चे का पूरा ये डैशबोर्ड आ गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, जिसका फिल हो जाएगा इस तरह से 3 कंप्लीट आएंगे, रजिस्ट्रेशन फिल, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, फी पेमेंट कंप्लीट। तो इसने भर लिया, यहां से चाहे तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता है, जो कि हमने इसके लिए ऑलरेडी कर रखा है। आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, आप कॉन्टैक्ट डिटेल में अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, 10th की मार्कशीट की। सर इसमें अगर मैं इसको ओपन नहीं करना चाहता ना, इसको ओपन वैसे आप कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सबमिट हुआ हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिक्कत क्या आ रही है, कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल, यहाँ पे अदर कैटेगरी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है, ये भरनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भरना है, उसके बाद टेस्ट पेपर। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में आपको मैंने बताया कि भैया पहले कौन सी यूनिवर्सिटी, दूसरी कौन सी, आपको पता है कि भैया 3 तो हमारी स्टेट की, यूपी स्टेट की है, HBTU हो गया, AKTU हो गया। AKTU के अंदर ही बहुत सारे सरकारी, कम से कम 20 सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज सब इसी के अंदर है। बच्चे बोल रहे हैं KNIT का नाम नहीं आ रहा, BIT का, अरे भाई KNIT BIT AKTU के अंडर ही है, वो सब AKTU के तहत से ही एडमिशन लेंगे, तो वहां पे वो दिखाई दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। AKTU दिखाई दे रहा है, उसका मतलब वो भी हो गए, ठीक है। अब आपको आप कई कई इसमें कोई कॉम्बिनेशन वाला है ही नहीं है, आपको तो क्लियर कट है कि भैया आपको मैथ मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, वो दो तो लेने ही है, बाकी आपको कंप्यूटर साइंस लेना है। जैसे जिस बच्चे का फॉर्म डाला हुआ उसने कंप्यूटर साइंस लिया है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग लेना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, किसी ने कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, दोनों लिए, दोनों ले सकते हैं, दोनों में जो बेस्ट स्कोर आएगा वही है, उसी से आप काउंसलिंग करना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको लास्ट में स्कोर बताना है यूनिवर्सिटी को कि मेरा इन 3 सब्जेक्ट में ये स्कोर है, मेरा इन 3 सब्जेक्ट में ये मार्क्स है, ये परसेंटाइल है, समझ आ रही है बात, ठीक है। इस बार नॉर्मलाइजेशन का वैसे भी चांसेस कम है, तो इस बार पेपर हाइब्रिड मोड में हो रहा है, ये चेंज है, ठीक है। तो भाई आप कहेंगे सर आप तो ऑफ द ट्रैक हो गए, है ना,
पहले ये पॉइंट टू पॉइंट वाली बात कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वाली बात करते हैं, ठीक है, उस टेस्ट पेपर, उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट ऑन फाइनल सबमिट, ठीक है। तो टेस्ट पेपर में आप अपने अकॉर्डिंगली, कई बच्चे क्या करेंगे, चार पांच पेपर भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ही दिन में सारे पेपर ना हो। तीन पेपर करने से क्या होता है, एक ही दिन में सारे पेपर हो जाते हैं। हाँ, आपका जनरल टेस्ट भी सेम डे आ गया, मैथ का टेस्ट भी सेम डे आ गया, और आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग या कंप्यूटर वो भी सेम डे, तो बच्चों के लिए बड़ा हैक्टिक हो जाता है। इसलिए बच्चे उसमें फिजिक्स भी डाल देते हैं, उसमें कोई लैंग्वेज भी डाल देते हैं, तो ताकि पेपर सेम डे ना आए, अलग अलग दिन में आ जाए, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में आ जाए, ताकि वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाए। ये मेरे को आपके सीनियर से ही पता लगता है, जो आपके सीनियर बच्चे पेपर दे के चले जाते हैं, उन्हीं से पता लगता है, वही बताते हैं, वो हम आपको साझा करते हैं, ठीक है। बेटे मैं आप एक एप्लीकेशन फॉर्म जिस बच्चे ने भर रखा है उसका, इस तरह से आपको फॉर्म दिखता है। मैं ये आप पर्सनल डिटेल तो नहीं इसकी शो करना चाहता, क्योंकि वो उसके बाद यूट्यूब ही इसको हटा देता है बेटे। तो मैं ये कर लेता हूं कि आपको एक ब्राउचर खोल रखा था यार मैंने, शायद मैंने एक ब्राउचर खोल रखा था, ओपन कर रखा था ब्राउचर। एक सेकंड दीजिए, ये रहा, ठीक है। अब ब्राउचर के अंदर कंप्लीट है कि वहां पे यही खुलना है, आपको यहां पे लिख रखा है कि भैया 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको अपना नाम डालना है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है मेरे बेटे? फादर नेम, मदर नेम, सब 10th के हिसाब से, आपको जेंडर, नेशनलिटी, आपको दिक्कत कहां आ रही है? आप एड्रेस डालना है, अपना एड्रेस डालेंगे, मैं उस बच्चे का एड्रेस क्या दिखाऊं उसने क्या डाला है? प्रेजेंट एड्रेस भी वही, परमानेंट एड्रेस भी वही, इसमें कोई दिक्कत है? पासवर्ड हो गया, ये हो गया, पर्सनल डिटेल में वही सारी चीजें आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर, नेशनलिटी, किसी की कैटेगरी है तो वो कैटेगरी डाल दो, अगर कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस डाल दो, उसका फॉर्म का पैसा कम लगेगा, वैसे 1,000 रुपए लगते हैं तीन पेपर को देने के, वैसे 900 रुपए लगेंगे। कोई पीडब्ल्यूडी है तो वो यस या नो कर देगा, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में कर देगा, है ना। मतलब इसमें ये, मतलब ये इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नो 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 करना है यहाँ पे, फादर नेम आपने डालना है, फादर क्वालिफिकेशन अगर है तो डालो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फादर की क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मदर नेम, ये सारा डालने के बाद बेटे यहाँ पे, वहां पे आता है आपकी फैमिली इनकम जितनी है आप डाल दो। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ऑब्वियसली 6 लाख या 4 लाख से नीचे ही रही होगी, ठीक है। डोमिसाइल स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं वो डाल दो, प्लेस ऑफ प्रेजेंस, ये सारी चीजें आपके आप बड़े आराम से डाल सकते हो, स्टेप बाय स्टेप ही है ये। ऐसा थोड़ा ना है कि यहाँ पे मतलब डोमिसाइल जो हरियाणा का है वो हरियाणा, हरियाणा वाला क्यों भरेगा यार सीवीटी, यूपी वाले ही भर रहे होंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंट यूपी, मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी है, कोचिंग कर रहे हो क्या है वो लिख दो, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, वो लिख दो, अपना अपनी लोकेलिटी लिख दो, कंट्री लिख दो, ये फिर वही एड्रेस आ गया, सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये तो वही, अगर जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला होगा वही एसटीज उठ के आ जाएगा। आपकी कोई कैटेगरी है, आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, ठीक है, वार्ड ऑफ डिफेंस, क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, क्लेम ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, ये डाल दो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप किसी एनसीसी से आपने, आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, एनसीसी का कोटा है, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वो बता दो, इज देयर फादर एन एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी वो बता दो, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ये सारी चीजें वो आपसे पूछ रहा है बता दो। अगर आपके पापा किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो, मदर अगर करती है तो उसके बाद आ जाओ, अगर नहीं तो नो कर दो, खत्म हो गया काम वहां पे, नो कर दो सिंपली। उसके बाद 10th की मार्कशीट, आपका रिजल्ट कब आया, पासिंग ईयर, क्वालिफाई, प्लेस ऑफ आपका गांव में था, शहर में था, स्कूल, स्कूल जो था आपका, उस स्कूल का नाम क्या है, अपना उसका क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन, कंट्री, हाँ ये तो सबको पता ही है, इंडिया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन स्टेट, यूपी, आप क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, बोर्ड नेम, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से हो, अदर अगर नहीं है तो अदर बोर्ड करके उसका नाम लिख दो यहाँ पे, अगर आपके बोर्ड का नाम नहीं आता तो अदर बोर्ड में नाम लिख दो उसका, अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर आपको आपके स्कूल का नाम, रोल नंबर, जो आपकी 10th की मार्कशीट पे है, रिजल्ट मोड, आपका परसेंटेज में था, ग्रेड में था, जीपी क्या, सीजीपी क्या है, आपका इक्विवेलेंट कितने मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स,
कितने हैं, मार्क ऑप्टेंड कितने हैं, जैसे इस बच्चे ने भर रखा है, अब मैं इस बच्चे का थोड़ा सा मार्क्स तो दिखाई सकता हूँ यार, तो आपको मार्क्स दिखाता हूँ। जैसे इस बच्चे ने जो 10th की थी, ये 10th की क्वालिफिकेशन है, भरने के बाद आपको इस ऐसा एक फॉर्म जो डाउनलोड आप कर पाएंगे ना, ठीक ऐसा फॉर्म दिखेगा आपको, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये आप भर चुका है ना, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बच्चा कह रहा था तो मैंने कहा कि जैसे ये बच्चा 2020 में पास आउट हुआ 10th, और यहाँ पे अपने आप ही लिखा देता इक्विवेलेंट, अब आपको लग रहा होगा वहां पे 12th, वहां डिप्लोमा ऑप्शन ही आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डिप्लोमा 12th के इक्विवेलेंट ही होता है भाई, यहाँ पे 12th और इक्विवेलेंट, ये इसका मतलब डिप्लोमा ही है, यहाँ पे बच्चे ने डिप्लोमा ही का ही लिखा है कि वो कौन से बोर्ड, डिप्लोमा कहाँ से किया उसने, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, अर्बन, ठीक है, कहाँ पे है, गवर्नमेंट स्कूल, मतलब स्कूल कॉलेज, यहाँ पे जो भी इसका गवर्नमेंट कॉलेज था, तो यहाँ पे कॉलेज नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट इसने स्कूल लिख दी, वैसे कॉलेज लिखना चाहिए, ठीक है, अगर वहां पे स्कूल का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये इसका रोल नंबर था कॉलेज या स्कूल का, कॉलेज यहाँ पे हाइफन बना हुआ ना कॉलेज, तो इसका मतलब कॉलेज का रोल नंबर है, ये इसका सॉरी पिन कोड था, सॉरी यार, ये पिन कोड बता देना आप, आपको कॉलेज का, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख देना है, ये बच्चे के ऑब्टेंड मार्क्स है, तो टोटल कितने में से आए थे, 3255 में से इस बच्चे के 2433 नंबर थे, जिससे कि इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 74% थे इसके, ठीक है, ये इसने डिप्लोमा का लिखा, 12th वाली जगह पे आपने डिप्लोमा का भर देना है, मेरे को लग रहा है यहीं पे दिक्कत आ रही होगी, और तो ऊपर तो देखो पर्सनल डिटेल थी, वो मैं आप दोबारा खोलूंगा नहीं, पर्सनल डिटेल है आपकी, कोटा जो आपकी रिजर्वेशन है उसकी डिटेल है, और आपका एड्रेस पूछ रखा है, प्रेजेंट एड्रेस है ना, उसके बाद 10th क्वालिफिकेशन में 10th की है, उसके बाद 12th की है, 10th 12th हो गया, 10th 12th के बाद बेटे आता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में इस बच्चे ने नंबर वन पे एचबीटीयू दे दिया, एचबीटीयू में आपको ही पता है कि इस बार दो ही ऑप्शन है, मुझे लगता है इंजीनियरिंग ड्राइंग इस बार शायद ऐड नहीं हुआ है, जो भी है यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसने सब्जेक्ट कोड में सारे ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन क्यों, मतलब या मैथ या कंप्यूटर, मैं ईडी है ही नहीं इसमें, या कंप्यूटर या मैथ है, तो जो कंप्यूटर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एचबीटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस बार, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस बार, अगर एचबीटी ये दो से ही अपनी मेरिट बनाने वाला है, इन्हीं दो सब्जेक्ट से अपनी मेरिट बनाने वाला है, तो बेटे आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, अगर आप कंप्यूटर शाखा से तैयारी कर रहे थे, और अगर अभी आपने तैयारी नहीं शुरू करी तो भाई हमारा रिकॉर्डेड बैच आपका इंतजार कर रहा है, भाई खोल के आ जाओ और अपना रिकॉर्डेड बैच जो है वो ज्वाइन कर लो। उसके बाद मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के अंदर वही है पैटर्न, वही सेम है, सेकंड नंबर पे वो ले लिया, मैथमेटिक्स जर्नल टेस्ट इस तरह से आपका भी दिखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एपीजे सेकंड में, इसमें भी क्या है, जर्नल है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, वो आ गए, इस बच्चे ने हेमावती वाला भी डाला है, ठीक है, इसकी दोनों शाखा डाली है, आईटी भी डाली है, और आईटी के लिए अप्लाई किया और कंप्यूटर के लिए, तो उसके लिए इसने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे पेपर इस बच्चे ने 5 पेपर भरे, रीजन क्या है 5 पेपर भरने का, मैंने बोला कि कोई भी अगर 4 से ज्यादा पेपर भरेगा तो इसका मतलब है एक ही दिन में पेपर नहीं होंगे, उसके दो अलग अलग टाइम में पेपर होंगे, तो उसमें क्या है बच्चों को, हालांकि स्कोर तो उन्हीं तीनों का है, लेकिन एक साथ 3 पेपर देना बेटे, और 2 दिन में वो 3 पेपर देना फर्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस में, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज का फायदा ले लेना चाहिए, तो इस बच्चे ने वैसे लैंग्वेज भी डाल दिया, लैंग्वेज इसलिए डाला है, आपको जरूरत नहीं है आप मत डालना, इसने इसलिए डाला कि इसको नहीं चाहिए कि एक ही दिन में पेपर हो, ये ऑलरेडी लास्ट टाइम भी इसने पेपर लिखा था, तो इसको ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है जो सीख रहा है, ये तुम्हारे सामने आ गया। उसके बाद भाई ये ईडी नहीं कर रहा कंप्यूटर में, इसके लास्ट टाइम 180 नंबर थे, जीसीसी के विद्यार्थी है, लास्ट टाइम इसके 200 में से 180 नंबर थे कंप्यूटर में, तो इस बार भी अगर इतने ले आया या इससे ज्यादा ले आया तो बढ़िया हो जाएगा काम। जनरल टेस्ट और मैथ इसने अपना बढ़िया करना है, यहाँ पे जनरल टेस्ट और मैथ तो लिख ही रखा है, और अगर मैथ में बढ़िया नहीं आए तो जर्नल टेस्ट और कंप्यूटर के बेसिस पे ये एचबीटीयू में बड़े आराम से एडमिशन ले सकता है, क्योंकि वहां पे क्या है सिर्फ दो ही सब्जेक्ट है इस बार, ठीक है, मदन मोहन मालवीय में वही है कि 3 है, मैथ मैंडेटरी, जर्नल टेस्ट मैंडेटरी, अपना ईडी या कंप्यूटर में से कोई एक, कई बच्चे दोनों भरेंगे, तो दोनों में से क्या होगा जो बेस्ट आपका स्कोर होगा आप उन वो यूनिवर्सिटी को बताना, वो बताओगे उसके बेसिस पे वो आपकी रैंक बढ़ाएगी, है ना। अब आप कहोगे कि ऐसा तो कोई भी बच्चा कोई भी स्कोर बता सकता, नहीं भाई, यूनिवर्सिटी एनटीए से भी डाटा लेता है, और आपका डाटा जो आपने दिया था एनटीए का डाटा दोनों चेक होते हैं, और उसके बाद आपकी मेरिट बनती है बेटे, ठीक है। तो ये इसने 5 ऑप्शन भरे हैं,
आप भी इस तरीके से यहाँ पे नीचे फोटो आ जाएगी, सिग्नेचर आ रखे हैं इस बच्चे, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था, तो इसकी टोटल 5 की वजह से इसकी फीस बन गई 1650, तुम्हारी बनेगी 1800 रुपये, 1800 रुपये बनेगी, है ना। अगर 3 हैं तो 1000 जनरल कैटेगरी की, 4 भर दोगे तो 1400, उसके बाद मेरे हिसाब से शायद 1800 भरेगी तुम्हारी, अगर 5 बनते हैं तो, ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट है तो इस तरीके से बेटे ये फॉर्म आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको एज सच, ठीक है। आप बड़े आराम से इसको करिए, इस तरह से आपका आ जाएगा यहाँ पे क्यूआर कोड, ये फॉर्म है जब फाइनल फिल करने के बाद, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज में फिर दोबारा एक बार ले चलता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेटे आपका ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, फीस कम है, प्लेसमेंट भी इसकी फिर एवरेज ही है। अगर आप प्लेसमेंट को देखोगे तो मैं इसको नहीं कहता जाने के लिए, लेकिन आपकी अगर फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो आप इसमें जरूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ की एवरेज है। प्लेसमेंट के लिए अगर आपको जाना है तो सबसे बढ़िया कॉलेज है ये रहा, ठीक है, HBTI, फिर उसके बाद TMUT। TMUT में अगर सिविल ब्रांच के आप बच्चे हो तो TMUT भी बड़ा बहुत, TMUT का भी अपना रोला है सिविल ब्रांच के लिए, ठीक है। वैसे कंप्यूटर का भी अच्छा प्लेसमेंट गया था, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। TMUT में भी AKTU के अंदर आपके सारे सरकारी कॉलेज, चाहे IIT है, KIT है, BIT है, जितने भी RAC है, इस बार 3-4 RAC लास्ट टाइम खुले थे, लास्ट ईयर खुले थे, तो उन 3-4 RAC में भी इस बार लेटरल एंट्री आने की उम्मीद है, ठीक है। जैसे REC गोंडा, अब मेरे को नाम मैं देखने पड़ेंगे, 3-4 RAC हैं जो नए हैं जो लास्ट ईयर ही ओपन हुए थे, इस बार वो भी लेटरल एंट्री में आ जाएंगे। लास्ट टाइम तो उसमें लेटरल एंट्री नहीं हुआ था, लेकिन इस बार आ जाएगा। तो अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो भाई यार नीचे लाइक, इसे अपने दोस्तों से शेयर कर देना। मैं किस बिहाब पे ये वीडियो बना रहा हूँ, जो वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हो ना, जैसे हिमांशु शर्मा ने कर रखा है, जैसे ये सेम एक अमित चौरसिया ने कर रखा है, अमित चौरसिया जय माता दी, एक लिख रहा है लव यू सर, अरे भाई लव यू, हाँ लव यू भाई, तुम्हें भी जय माता दी लिख रहा है विपिन प्रजापति। तो भाई जिन बच्चों ने नहीं भर पाए थे, जैसे सृष्टि सर, किसी ने क्या, किसी ने इनका सब्सक्रिप्शन लिया? हाँ बेटे लिया है, तेरे को थोड़ा बताएंगे है सृष्टि बेटे, या तेरे को बताना है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ले रखा बेटे, ठीक है। तो ये जय माता दी लिख रहे हैं, एक बच्चा जैसे ये लिख रहा है रमैया देव, यूपी लीड का फॉर्म फिल की वीडियो बना दो। तो बेटे मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाई है ये आपके लिए यूजफुल होगी। अब कई बच्चे कहेंगे जो ये CVT का पेपर है ये हम आउटसाइडर वाले भर सकते हैं क्या? आउटसाइडर वाले भर के करेंगे क्या? हेमावती वाला अगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में तो कोई भी कर सकता है, तो आउटसाइडर भर सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया वाले ऑप्शन है वो यूपी स्टेट के बच्चों के लिए है। वहां पे सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलेगा, यूपी के बाहर वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज नीचे जय माता दी लिखना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। भाई थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शुभ अग्रभाग।